स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और उत्तराखंड के विकास के लिए मदद मांगी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का ये तीसरा दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री लगातार केंद्र से पहाड़ में विकास योजनाएं लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी का महामिशन, उत्तराखंड की कम होगी टेंशन। केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात, पहाड़ को योजनाओं की सौगात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पहाड़ के विकास के लिए कई योजनाओं की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से शिष्टाचार मुलाकात करके की। इस दौरान दोनों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, उत्तराखंड की भूमिका और इस विषय से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में व्यापक चर्चा की। इसके साथ ही सीएम धामी ने केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की और देहरादून में यमुना नदी पर स्थित 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति दिलाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर सामरिक महत्व की टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन ब्रॉडगेज की स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के स्तर से संस्तुति करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से भी शिष्टाचार भेंट की और उनसे कुमाऊं मंडल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय के स्तर से संस्तुति किए जाने का अनुरोध किया। देखिए, ऐसा है कि एक तो बहुत सारी जो योजनाएं हमारी केंद्र पोषित प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन योजनाओं को मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर और ज़्यादा उसकी थोड़ा तेज़ी से उस पर काम हो, तेज़ी से यहाँ से धनावंटन हो, उसके लिए मैं विभिन्न मंत्रालयों में मिला हूँ, विभिन्न भारत सरकार के मंत्रीगणों से मिला हूँ। मैंने अनुरोध किया है, उसमें बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पर एक टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन की जो सर्वे का काम होना है, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। साथ में एक टनल बननी है, जल जीवन मिशन में बहुत सारे गाँव में लघु सिंचाई किसान उसके माध्यम से काम होना है, उसके संबंध में मिला हूँ। 7-8 महीने का समय बाकी है और ऐसे में प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर लगातार भागदौड़ कर रहा हो कि राज्य के लिए योजनाओं के लिए, तो निश्चित रूप से सरकार की संवेदनशीलता और गंभीरता का प्रचार है कि सरकार चाहती है कि जो डबल इंजन की सरकार है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा राज्य हित में लिया जा सके। वही विपक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। तो मैं पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हूँ, बमुश्किल एक महीना हुआ है आपको मुख्यमंत्री के रूप में, आप कोई मील का पत्थर साबित करिए ना, आप कोई लंबी लकीर खींच के दिखाइए ना। अब आप दिल्ली जा रहे हैं, देखते हैं भविष्य के गर्भ में है कि आप कितनी सौगातें वहां से लेकर आते हैं। उत्तराखंड की शक्लो सूरत बदलने वाली पार्टी यहां पर ना युवाओं की शक्लो सूरत बदल पाई, ना महिलाओं की, ना किसानों की, ना व्यापारियों की, ना मजदूरों की। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, इनके एक बड़े नेता कहते हैं कि 2022 का चुनाव हम अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, वहीं इनके अध्यक्ष कहते हैं कि हम 2022 का चुनाव धामी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि हमारे पास एक नहीं कई युवा चेहरा हैं। तो ऐसे में धामी जी की कुर्सी हिली हुई है और हिली हुई कुर्सी में बैठकर विकास के दावे करना तर्कसंगत नहीं है। देवभूमि में डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार से जनता को तमाम उम्मीदें हैं और उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने का पहाड़ सरीखा लक्ष्य लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के लिए कई सौगातों की उम्मीद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सजाई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बेहद कम वक्त है और उम्मीदों का पहाड़ पूरा करने का लक्ष्य उन पर है। ऐसे में बगैर केंद्रीय सहायता के वो जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करना चाहिए कि महज एक महीने के दौरान तीसरे दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ बड़ी सौगात लेकर जाएंगे और 2022 के बीजेपी के मिशन को कामयाब बनाएंगे। ब्यूटी जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली।
और विपिन गोयल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, आरपी रतूड़ी है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, संजय भट्ट आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। आरपी रतूड़ी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। भाई मुख्यमंत्री तीसरी बार दिल्ली दरबार पहुंचे हैं और विकास की बात की जा रही है कि वहां से फंड लाएंगे, विकास करेंगे उत्तराखंड का, इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कुछ? क्या कहना है आपकी पार्टी का? श्रीवास्तव साहब, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो इनको ही है। ये लगातार मुख्यमंत्री बदलने में लगे, इसका मतलब है इससे पहले वाले मुख्यमंत्री सोते रहे क्या? क्या इन्हीं को चिंता आई है कि अब ये दौड़ करेंगे तो 4.5 साल क्या कर रहे थे? 4.5 साल तक वो इंजन या तो देहरादून नहीं पहुंचा, या इंजन पहुंचा तो उसमें तेल नहीं मिला केंद्र सरकार से। अब आप आखिरी वक्त में जब चुनाव सर पे है तब धामी साहब दौड़ेंगे भागेंगे तो कब वो योजनाएं आएंगी, कब उत्तराखंड को लाभ मिलेगा? अभी चुनाव में ये सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि शायद जनता की आंख में धूल झोंकने का काम करेंगे। हाँ। तो जनता जैसे पहले प्रलोभन में लुभावने नारों में हमने ठग दी, शायद अब भी ठगने में आएगी। हाँ। लेकिन ये 4.5 साल की जो जनता ने उत्तराखंड की त्रासदी देखी है। ठीक है, ठीक है। विपिन गोयल जी भाई, बाकी के जो दो मंत्री मुख्यमंत्री थे वो इतने दिन तक सो रहे थे क्या? आरपी रतूड़ी जी पूछ रहे हैं, वो नहीं ला पा रहे थे क्या? अब जब समय बचा नहीं है, वो कब परियोजनाएं आएंगी, योजनाएं आएंगी, कब उसका विकास होगा, कैसे होगा ये सब? अनुज जी, मैं विनय गोयल हूँ, माफ कीजिएगा। और जो रतूड़ी जी ने जिस प्रकार से जो बात कही है, 4.5 साल कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ। और इनके पास करने के लिए कोई एक मुद्दा इन्हें नहीं मिला कि जिसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर पाते। अब चुनाव के समय जिस तरह के ये बयानबाजी कर रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के काम इन्हें इतने ही हल्के दिखाई देते हैं, इतनी कमजोर भारतीय जनता पार्टी इन्हें दिखाई देती है, तो उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 5-5 अध्यक्ष बनाने की इन्हें क्यों जरूरत पड़ गई? तो ये इनकी कहानी, इनका संगठन, और उसके बावजूद भी जिस प्रकार से कांग्रेस में रोज नई नई शेरोशायरी हो रही है कि कांपते हाथों से शमशीर नहीं थामी जाती, और जाने क्या क्या, किसके कांपते हाथ हैं, उसके हाथ में कह रहे कमान दे दी है, और जो अध्यक्ष बनाए गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष, वही ये बात को कह रहे हैं कि कांपते हाथों में शमशीर नहीं थामी जाती। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कांग्रेस की स्थिति है, वो रतूड़ी जी को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। विनय गोयल साहब, आप मुख्यमंत्री बदले तो चलेगा, अगर वो 5 अध्यक्ष बदल रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी को इतना ही हल्का मान के चल रहे हैं, अगर इन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किए हैं, तो फिर 5-5 अध्यक्ष बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई इन्हें? तो ये अपने आप में साबित करता है कि इनको लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात एक और हुई, आपने सुना होगा हरीश रावत जी ने टीवी चैनल पर इंटरव्यू में बयान दिया, उन्होंने कहा ये, और वो हरीश रावत जो कि इनकी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। हाँ। उन्होंने बयान दिया कि मोदी तुझसे बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं। यानी आधी लड़ाई तो ये पहले हार चुके, मोदी का मुकाबला करने की तो इनमें क्षमता नहीं है। और उस पर भी मजेदार बात क्या हो रही है कि प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि अगर हरीश रावत जी के लिए कि हरीश रावत जी अगर मोदी तुझसे बैर नहीं तो हरदा तेरी खैर नहीं। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ, रहिए आप हमारे साथ। काफी पारकी नजर है आपकी और पैनी नजर बनाकर रखा है आपने कांग्रेस पार्टी पर, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। और अभी ठीक है, आप जवाब देंगे इसका अभी यहाँ पर रतूड़ी जी, लेकिन संजय भट्ट जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। संजय भट्ट जी, कैसे करेंगे भाई सामना? यहाँ पर एक मैसेज और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ बार बार, कि उत्तराखंड का कुछ विकास हो जाए, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, कैसे निपटेंगे सर?
देखिए पहली तो बात यह है श्रीवास्तव जी कि जब जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो पूरा उत्तराखंड डरने लगता है कहीं चौथा मुख्यमंत्री तो नहीं आने वाला है। ऐसा लगने लगता है कि कहीं चौथा, क्योंकि पहले वाले मुख्यमंत्री दिल्ली गए, अचानक विधानसभा का सत्र चल रहा था गैरसैंण में, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया, दिल्ली में वो सेवा वापस आए, वहां से बोलते रहे दिल्ली से कि कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना। विधायक मुन्ना सिंह चौहान उनके साथ थे, वो बोलते रहे कुछ नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ आके इस्तीफा दे दिया। फिर दूसरे वाले मुख्यमंत्री जो हमारे आए, जो 112-13 दिन रहे, उनका भी दिल्ली दौरा हो गया अचानक, उससे पहले भी इनकी एक चिंतन बैठक हुई थी रामनगर में भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद दिल्ली बुला लिया गया। अब दिल्ली में दौरा रहा उनका, उसके बाद पता चला, वो भी बोल रहे थे कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, रात को 11:30 बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये वाले मुख्यमंत्री भी क्योंकि अभी चिंतन बैठक हुई है उसके बाद दिल्ली गए हैं, तो उत्तराखंड की जनता तो डर रही है कि कहीं एक और मुख्यमंत्री को पूर्व जो पेंशन जाती है, जो खर्चे जाते हैं, वो हमारे ऊपर भार तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तीन मुख्यमंत्रियों का भार, दो का तो पूर्व का भार पड़ ही चुका है। हाँ। पता चला है एक और मुख्यमंत्री का भार पड़े पूरी जनता पे ही पड़ता है भार, तो अंतर्गत जनता पे पड़ता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी का आप बयान चल रहा रहते, मैं अगर आवाज सही समझाऊं तो, वो प्रवक्ता हैं कि नहीं है आप सरकार के मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो ये कह रहे थे कि 7-8 महीनों का अभी समय बचा है। भैया कौन से 7-8 महीने बचे हैं, ये अगस्त है, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, 4 महीने बीच में है, कहां से आप कोई काम कर लोगे? आप लोग ये क्यों जनता को बरगलाते हो कि 7-8 महीने बचे हैं? क्या 5 साल से ऊपर का टर्नओवर दिया गया है, टाइम दिया गया है इस सरकार को? 4 महीने बीच में है, अगस्त ये चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, 4 लगाइए 12 जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, और उसमें भी कहां से 7-8 महीने है, 10-11 दिन निकल चुके हैं। दूसरी बात ये है, बोलिए 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 पूरी कर लीजिए बात। जी धन्यवाद श्रीवास्तव जी। बाकी जो बात विनय गोयल जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर तलवार थामे खींच के खड़े हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक दूसरे पे तलवार खींच के खड़े हैं। इनके प्रभारी जी दुष्यंत कुमार गौतम जी बयान देते हैं कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वही हमारा चेहरा होगा, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी जो इनके हैं कौशिक जी, वो कहते हैं कि धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, यही हमारे नेतृत्व करेंगे। अभी मैं 4:30 से 5:30 एक दूसरे चैनल पर बैठा था, वहां इनकी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी हनी पाठक जी, वो कह रहे थे जल्द ही चेहरा घोषित किया जाएगा। मतलब 3-3 बयान है, एक कहते हैं चेहरा है, एक कहते हैं चेहरा नहीं है, एक कहते हैं चेहरा घोषित किए जाएंगे, तो ये तो असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करना शुरू कर चुकी है, और साफ नियत के जो दिल्ली में हमने काम किए हैं वो जनता के साथ पास जाकर हम उसी मॉडल पर आप उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हम कई बार सुन चुके हैं और देख भी चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जब आए थे उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही थी। आरपी रतूड़ी जी, भाई यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर यहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया विनय गोयल जी ने, 5-5 अध्यक्ष बना दिया है आपने, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, एकता नहीं है कांग्रेस पार्टी में, तो ये कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप बीजेपी से? विनय गोयल जी अपनी उपलब्धि तो दिखाया नहीं पाए, गिना नहीं पाए, अब उनको 4.5 साल की अगर उपलब्धि गिनाते तो शायद बुराई करने का समय ना मिलता। आदरणीय विनय गोयल साहब, इतना वक्त अगर आप बताते कि 4.5 साल में हमने ये योजनाएं यो योजनाएं, अरे आपने तो जो आज आपने सगुफा है, सबसे बड़ा तो महंगाई का है कि आपने घर में डकैती डाल रखी है। 2013 में जो गैस का सिलेंडर 375 से 400 के बीच था, वो आप 900 से ऊपर ले गए, कौन वोट आपको देगा? आपने कोरोना की दूसरी लहर में, पहली लहर में जो हमारे प्रवासी भाई आए थे उनके साथ आपका क्या व्यवहार था? आपने कहीं बकरी वाले कमरों में बांधा तो कहीं भैंसों वाले कमरों में उनको ठहराया, किसी को सांप ने काटा, किसी ने फांसी लगाई। तो आप अगर ये गिनाते कि हमने ये गलती की, आप अपने 9 संकल्प पत्र 2017 में जो आपने 9 पॉइंट बताए थे उन्हीं में एक की उपलब्धि बता देते कि ये पूरा हो गया। अरे आपने कहा था उत्तराखंड की महिलाओं को कि मातृशक्ति आपने उत्तराखंड राज्य बनाया और शराबबंदी धीरे धीरे करेंगे, आपने तो शराब को घर घर पहुंचाने का, मोबाइल वैन से पहुंचाने का काम कर दिया, यहाँ तक कि जो कुंभ क्षेत्र ऋषिकेश है उसके नगर नजदीक मुनिकीरेती में दुकान खोल जो पहली बार खुली है, आजादी के बाद पहली बार मुनिकीरेती में, ठीक है, ठीक है विनय गोयल जी जवाब दे लीजिए। आम आदमी पार्टी ने भी कई आरोप लगाए आपके ऊपर, कई तरह के वहां पर निशाना साधा, और रतूड़ी साहब जो कह रहे हैं एक एक करके जवाब दे लीजिए जल्दी से।
देखिए संजय जी ने जो बात कही कि जिस प्रकार से इन्होंने चेहरा घोषित कर दिया है तो सबसे ज्यादा सुकून इनको लग रहा होगा, और जिस दिन से इन्होंने चेहरा घोषित किया है मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के उस चेहरा घोषित होने से जो पहले चेहरे बने थे वो सब चेहरे मुरझा गए हैं, उनके चेहरों का नूर गायब हो गया है, उनके बैनरों का रंग फीका पड़ गया है और उनके बयान गायब हो गए हैं, वो सीन से गायब हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किस प्रकार के तैयारियां इनकी सारी हैं। मुझे लगता है कि मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अभी पहला चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है कि उनके जो भी रिजल्ट जब सामने आएंगे तो तब इन्हें पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। मुझे इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ चलिए ठीक है, समय नहीं है मेरे पास बहुत ज्यादा। संजय भट्ट जी 20 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। संजय भट्ट जी जवाब दे लीजिए। हाँ समय नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, 20 सेकंड बचा है लास्ट। नहीं है भट्ट साहब अपनी बात रख लीजिए। हेलो हाँ ठीक है भट्ट साहब अपनी बात रख लीजिए 20 सेकंड में जल्दी से जवाब दे लीजिए। जी गोयल जी को मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने कोई भी चेहरा घोषित नहीं किया है। आम आदमी पार्टी जनता के सामने एक चेहरा लेके गई है कि क्या ये चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए जिसने राष्ट्र के लिए काम किया है, जिसने देश के लिए काम किया है, जिसने युवाओं के लिए किया काम किया है, जिन्होंने हजारों हजार युवाओं को सेना में भर्ती कराने का काम किया है। हमने सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, हम सिर्फ जनता से पूछ रहे हैं कि क्या ये चेहरा होना चाहिए। अभी हमने कोई चेहरा नहीं आरपी रतूड़ी जी बहुत शुक्रिया। संजय भट्ट जी बहुत शुक्रिया। समय नहीं है मेरे पास ज्यादा कि आपकी बातें और ले पाए, लेकिन उत्तराखंड में अब मुख्यमंत्री धामी जो है वो दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं, दो दिन हो गए उनको दिल्ली में, और विकास की बात कही जा रही है कि दिल्ली से वो कुछ लेकर आएंगे उत्तराखंड के लिए। विपक्षी कह रहे हैं मात्र 4 से 5 महीने बचे हैं, वो कब योजनाएं आएंगी, कब धरातल पर आएंगी, कब आगे बढ़ेंगी, ये कैसे होगा, सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।